बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और टुडेज टॉपिक इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नाउ व्हाट इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजी? मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ अ प्लान टू कंबाइन द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस और अचीव अ पर्टिकुलर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। हम बहुत डिटेल में ये चार एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के इंक्लूड है, इंक्रीज सेल्स होनी चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, इंक्रीज सेल्स ऑफ अ न्यू सर्विस और सर्विस, इंक्रीज मार्केट शेयर, मेंटेनिंग मार्केट शेयर, या फिर ये कि इंक्रीजिंग सेल्स इन अ नीच मार्केट। कोई भी इनमें से एक ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एट अ टाइम हो सकते हैं। अब जो एलिमेंट्स की बात हो रही थी, तो प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट न्यू एंड इनोवेटिव और एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी कि उसको किस तरह डील करना है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डज द टारगेट मार्केट लाइक? टारगेट मार्केट क्या है? मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, नीच मार्केट है, मास मार्केट है? Does the product need to be changed to meet consumer taste? जैसे कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और अब फिजिकल क्लासेस होंगी, तो टाइम टू टाइम कंज्यूमर टेस्ट के हिसाब से चेंजेस आती हैं। सिमिलरली लॉकडाउन में ऑनलाइन ई कॉमर्स ज़्यादा बिजनेस चल रहा था, होम डिलीवरी ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर टेस्ट यू हैव टू चेंज द प्रोडक्ट। जब प्राइस की बात करें तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? व्हाट प्राइस विल द टारगेट कस्टमर्स बी विलिंग टू पे? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर कितना विलिंग टू पे करना है। आप तो कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं। और दूसरा एंगल क्या देखना चाहिए कि व्हाट प्राइस डू कंपेटिटर चार्ज, कंपेटिटर क्या चार्ज कर रहा है? ठीक है, अगर नेक्स्ट कोला आ रही है तो पेप्सी और कोक क्या चार्ज कर रहा है? ठीक है, नई ब्रेड आ रही है तो डॉन ब्रेड और बेक पार्लर क्या कर रहा है, एंड सो ऑन। प्लेस, वेयर डज द टारगेट मार्केट बाय देयर प्रोडक्ट्स? कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है? ठीक है, ऑनलाइन हो रही है या रिटेल आउटलेट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं, ठीक है, ब्रांचेस हैं या फैक्ट्रीज आउटलेट हैं? वेयर शुड बी अ प्रोडक्ट बी सोल्ड? अगेन कि आपकी जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? शुड इट बी द स्पेसिफिक रिटेल आउटलेट जैसे कि लिवाइस का आउटलेट है या आइडियाज का, या ये कि सुपर मार्केट से ऐसे इम्तियाज हैं या हाइपर स्टार है, वो सही है। व्हाट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड यू यूज? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन होना चाहिए, टू, थ्री, फोर, हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस में या बिजनेस टू कंज्यूमर में, तो इस पर हम प्लेस पे बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। प्रमोशन, व्हाट मेथड्स ऑफ प्रमोशन शुड बी यूज टू अट्रैक्ट द टारगेट मार्केट? किस तरह की प्रमोशन होनी है? ATL होनी चाहिए, BTL, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, क्योंकि अबव द लाइन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को फोकस करके होती है, ठीक है। व्हाट मेथड्स डू कंपेटिटर्स यूज? तो वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है ज़्यादा, या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है लाइक TV मार्केटिंग एंड ऑल, या फिर बिलबोर्ड्स या बैनर्स यूज कर रहा है, ठीक है। और व्हाट बजट इज अवेलेबल टू फॉर प्रमोशन? दैट रियली काउंट्स कि आप सोल ट्विटर हो तो यू कूडंट गो फॉर अ टीवी एड्स, राइट? अगर आप लिमिटेड कंपनी हैं देन आप जाहिर है कि बहुत सारी डिफरेंट चैनल को और डिफरेंट मेथड्स जो है उसको प्रमोशंस के लिए फोकस कर सकते हो। अब अगर आगे देखें तो एंटरिंग न्यू मार्केट्स अब्रॉड की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, दीज डेज अ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस बोथ प्रोड्यूस एंड सेल इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। व्हाई हैज देयर बीन दिस ट्रेंड टुवर्ड्स मोर ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस? ग्लोबलाइजेशन मतलब कि ई कॉमर्स हो रहा है कि देर आर नो बाउंड्रीज, आप किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ न्यू मार्केट्स इन अदर कंट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट डेवलपिंग एंड सींग देयर पॉपुलेशन
enjoying rising incomes. Okay, though now different countries, the world is the market. The physically you don't need to sell to the cities or your country. Second, home markets might be saturated, and these new markets give the chance for higher sales. Business to sell as well as produce in these countries, the business will have more information about these markets and be better placed to sell them to them as well. तो अगर होम मार्केट सेचुरेट हो गई है तो यू कैन फाइंड न्यू मार्केट, आप दूसरी सिटीज में कर लें. अगर आपकी सिटी हो गई और आपकी कंट्री है तो यू कैन एक्सपोर्ट इट. ठीक है. दूसरा, आपके पास वाइडर चॉइस ऑफ लोकेशन आ जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है दूसरी कंट्रीज में भी सेल हो रही है. जैसे कि अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दे आर 25 कंट्रीज. सोचें आप, 25 कंट्रीज एंड इज जस्ट वन करेंसी, देर आर नो बाउंड्रीज, जस्ट लाइक यू आर सेलिंग टू लाहौर. अच्छा, ट्रेड बैरियर्स हैव बीन लोअर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे मैंने आप ईयू का बताया कि वहाँ कोई ट्रेड बैरियर नहीं, कोई कोटा नहीं है, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है. ठीक है, फ्रांस और स्वीडन एक दूसरे को ऐसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं जैसे कि कराची और लाहौर. बट देयर आर प्रॉब्लम्स व्हेन एंटरिंग न्यू मार्केट्स अब्रॉड. जाहिर है कि हर चीज़ के प्रॉस हैं तो कॉन्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और उसकी डिफिकल्टीज भी होती हैं. तो उनको किस तरह ओवर किया, कम किया जाए, स्पेशली जब टाइम ग्लोबलाइजेशन का है, तो किस तरह उसको देखें. लैक ऑफ नॉलेज, द बिजनेस में नॉट बी अवेयर ऑफ कंपेटिटर्स और हैबिट्स इन दीज मार्केट्स. फॉर एग्जांपल, वेयर डू मोस्ट पीपल डू देयर शॉपिंग. ठीक है, पता नहीं होता कि भाई वो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज़ कर रहे हैं, तो दैट कुड बी द प्रॉब्लम. कल्चरल डिफरेंस बहुत आ जाते हैं कि मैकडोनल्ड को भी बड़ा कॉशियस होना चाहिए. कैन नॉट सेल बीफ बर्गर इन इंडिया, हैमबर्गर इन पाकिस्तान. ठीक है, और फिर आपकी जो रिलीजियस बाउंड्रीज काफ़ी होती हैं कि ओपन एड्स आप यहाँ पे नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सेल अल्कोहल प्रोडक्ट्स, विल नॉट बी मिडिल ईस्ट में भी नहीं, और जाहिर है कि इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. फिर एक्सचेंज रेट से चेंजेस का फ्लक्चुएशन, जैसे पाकिस्तान का देखें, पाक रुपी कैसे फ्लक्चुएट करती रहती है और अगेंस्ट द डॉलर, इससे हमें पता लगता रहता है. कोई भी करेंसी पे देखें, डॉलर इसलिए कि मोस्ट पॉपुलर है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. कभी जो है 150, 155, 60 और 167, स्टार्टेड विद 100 2 years बैक जी, और अर्ली 2000s में इट वाज ऑन 60 फॉर द लास्ट फॉर लाइक 9 years. तो 60 कहाँ और 160 कहाँ. ठीक है, तो जाहिर है उससे आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो है कंपेटिटिवनेस ख़त्म होती है. फिर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और ज़्यादा, रॉ मटेरियल इंपोर्टेड महंगा हो जाता है, तो दैट कुड बी द प्रॉब्लम. इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इफ देयर आर टैरिफ्स और कोटाज ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, देन द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट्स मे बी हायर देन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, रिड्यूसिंग सेल्स और प्रॉफिट्स और बोथ. अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो स्पेशली आजकल जो है आपकी जो है रुपी अगर वीक है, तो जाहिर है कि यू हैव टू स्पेंड मोर, आपको ज़्यादा खर्च करना है. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि रॉ मटेरियल की प्राइस हाई, तो आपकी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी. इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट में बी डिफरेंट इन दीज न्यू मार्केट्स, एंड इट मे बी मोर डिफिकल्ट टू सर्टेन दैट पेमेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स विल बी मेड. तो हर जगह के नॉर्म्स और हर जगह के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं. इंक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एज प्रोडक्ट्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, देन द कॉस्ट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट्स टू मार्केट विल इंक्रीज. हाउएवर, देयर हैव बीन बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग कंटेनर्स टू ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स, एंड द कंटेनर शिप्स आर गेटिंग लार्जर, एंड ऑल दिस हैज लेड टू रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. सी ट्रांसपोर्ट की जाहिर है कि उससे फिर आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है. बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वॉट आर द मेथड्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरिंग न्यू मार्केट्स अब्रॉड्स. तो अगर हम देखें इसमें मेथड्स पे, तो इसमें जॉइंट वेंचर है. जैसे कि मैकडोनल्ड्स देखें कि 35,000 ब्रांचेज हैं. ठीक है, 50-50 जॉइंट वेंचर होता है विद टू इंडियन रेस्टोरेंट चेंज, हार्ड कैसल रेस्टोरेंट, एंड दिस अलाउज द बिजनेस टू गेन इंपॉर्टेंट लोकल नॉलेज सो दैट कल्चर एंड कस्टम्स कैन बी अडेप्टेड टू इनेबल अ मोर सक्सेसफुल एंट्री इन टू द न्यू मार्केट. फिर हमारे पास जॉइंट वेंचर की एग्जाम्पल है, मेट्रो है विद द हाउस ऑफ हबीब लाइसेंसिंग. दिस इज वेयर द बिजनेस गिव परमिशन फॉर अनदर फॉर्म इन अ न्यू मार्केट बींग एंटर टू प्रोड्यूस द ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स अंडर लाइसेंस. दिस मीन्स टू प्रोडक्ट्स डू नॉट हैव टू बी फिजिकली ट्रांसपोर्टेड टू द न्यू मार्केट विच सेव टाइम्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड कैट
राउंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लाइसेंस दे दिया तो मतलब है कि वो लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर एलईडी टेक्नोलॉजी सैमसंग की है और वो उसको लाइसेंस दे दे तो उसके अगेंस्ट में फिर वो कंपनी, जैसे कि अगर एलजी है तो वो रॉयल्टी पे करेगी, तो दे कुड प्रोड्यूस इट और उससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेव हो जाएगी। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, जैसे हम मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे थे, तो दिस मीन्स दैट फॉरेन फ्रेंचाइज आर यूज्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस फ्रेंचाइज अब्रॉड, सबसे बेस्ट बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल डंकिन डोनट्स विच इज़ अ यूएस बेस्ड बेक गुड्स एंड कॉफी फ्रेंचाइज सोल्ड द फ्रेंचाइज इन द यूएई, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। दिस मीन्स दैट अगेन लोकल नॉलेज इज यूज टू चूज द बेस्ट प्लेस टू लोकेट द डंकिन डोनट्स आउटलेट्स। मैकडोनल्ड की यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, कह रहे जर्मनी में चपली बर्गर नहीं होगा या अंडे वाला बर्गर नहीं होगा, तो लोकलाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को, या टिक्का फ्लेवर पिज्जा हट पे मिल रहा है तो आपको फ्रांस में नहीं मिलेगा। लोकलाइजिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड्स, देर इज अ फ्रेज थिंकिंग ग्लोबल एक्टिंग लोकल विच इज बींग यूज बाय सेवरल ग्लोबल बिजनेसेस। इट मीन्स दैट देर इज स्टिल अ कॉमन ब्रांड इमेज फॉर द बिजनेस बट इट हैज अडेप्टेड टू लोकल टेस्ट एंड कल्चर, देयर फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। के एफ सी आपको यहाँ स्पाइसी मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी चपली वाला बर्गर या जो है आपका तिक्का फ्लेवर जो है वो पिज्जा हट पे। केस स्टडी है, मैकडोनल्ड्स हैव डेवलप अ स्पेशल मेन्यू फॉर द रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। दिस मेन्यू डज नॉट हैव बी बर्गर्स बट डज हैव चिकन बर्गर्स नोन एज चिकन महाराजा मैक्स, एंड दीज बर्गर्स कॉल्ड अ बिग स्पाइसी पनीर ऑन इट्स मेन्यू। दीज प्रोडक्ट्स आर सुटेबल फॉर द कल्चर ऑफ द मार्केट एज द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर हिंदूज, सो डू नॉट ईट बीफ फॉर रिलीजियस रीजन बट दे वर्शिप काउस, ठीक है। माता जी अगर रोड पर बैठ जाएँ तो उसको तो उठाते भी नहीं है, ठीक है। दूसरी केस स्टडी हम देख लेते हैं जो आपकी नोकिया के बारे में है, और आपको पता है कि पहले कितना नोकिया डोमिनेटिंग था, लेकिन उसको आईफोन और सैमसंग ने जो है बीट कर दिया। बिकॉज यू इफ यू डोंट चेंज देन यू विल बी ऑब्सोलीट, यू विल बी आउट क्लास इवन दो कि आप जो है मार्केट लीडर ही क्यों ना हो, ठीक है। नोकिया इज लूजिंग मार्केट शेयर टू सैमसंग। फॉर 14 ईयर्स नोकिया वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलर ऑफ मोबाइल फोन्स। इट वॉज ओवर टेकन बाय साउथ कोरिया सैमसंग इन 2012 एज द बेस्ट सेलिंग सेल मोबाइल फोन्स इन इंडिया एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स। एप्पल्स आईफोन वॉज सीन एज द मेन कंपेटिटर्स, बट नोकिया इज ऑल्सो लूजिंग आउट इन द बेसिक फोन मार्केट वेयर इट थॉट देयर वर स्टिल ईयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट्स। हमें पता है कि पूरी दुनिया एंड्रॉयड पर जा रही थी, नोकिया ने ऐसा नहीं किया। उसने बोला कि हम जो है विंडोज पे जाएंगे, और उनके काफ़ी टाइम लगा उनको स्मार्टफोन पे आने पे। उनके क्वर्टी जो है जो आपके जो बटन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। इन इंडिया द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल फोन मार्केट इन द वर्ल्ड, नोकियाज मार्केट शेयर हैज़ हाफ फ्रॉम 62% टू 31%, और मेरे ख्याल में तो अब तो 10% भी नहीं रह गया होगा। ऑफ द टोटल 183 मिलियन हैंडसेट सोल्ड इन चाइना, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मार्केट, इट्स शेयर ऑफ द मार्केट हैड फॉलन फ्रॉम 39% इन 2009 टू 24% इन 2011। एंड अगेन अब तो कोई नोकिया का नाम भी नहीं जानता, वरना पहले कोई घर ऐसा नहीं होता था जबकि जहाँ पे नोकिया ना हो। इन अफ्रीका मार्केट शेयर इज ऑल्सो स्लिप टू 51% इन 2011 फ्रॉम 62% इन 2009। इट इज सर्वाइविंग एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, बट दिस विल प्रॉबली नॉट लास्ट इफ इट डजन एक्ट क्विकली, ठीक है। और हमको पता है कि दैट वॉज हिस्ट्री, अब नोकिया जो है वो हिस्ट्री हो गया, जैसे कि आपका ब्लैकबेरी होता था। नोकिया लेफ्ट द डोर वाइड ओपन फॉर सैमसंग एंड अदर्स बाय नॉट डिलीवरिंग अ फुल टच फीचर फोन, जैसे हमारी बात हुई। द कोरियंस फिगर इट आउट 3 ईयर्स अगो, येट नोकिया स्टिल डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट, सेट बेनवुड हेड ऑफ रिसर्च एट CSCCS Insights। सो इवन दो नोकिया हैड अ गुड रेपुटेशन, देयर फोन्स वर प्राइस कंपेटिटिवली, दे वर वेल प्रोमोटेड एंड सोल्ड इन अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर कंज्यूमर्स। लेकिन क्या मिस हो रही थी? प्रोडक्ट। और क्या मिसिंग हो रही थी? चेंज, बिकॉज दे डिड नॉट चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर, प्राइस सही थी, प्रमोशन सही थी, प्लेस सही थी, लेकिन क्या मिसिंग था? के प्रोडक्ट विद अ चेंज। कंज्यूमर स्टिल स्विच टू अदर हैंडसेट्स सच एज सैमसंग और आईफोन, और अब तो यहाँ पे हवावे भी है, ओप्पो भी है, और बहुत सारे हमारे फोन्स आ गए, ठीक है।
Nokia mobile phones had failed to keep up with the latest technology and customer preferences, very important customer preferences. The product part of the marketing mix wasn't right, jaise humne baat ki, and so sales were falling even when the other three elements of the marketing mix were right. तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की यही थीम है कि सारे पीस सही होने चाहिए, इवन द फिफ्थ पी पैकेजिंग भी बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, तो पहले आप जो है उसको देखते हैं, यू डू लाइक इट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अल्पर्स और मिल्क पैक की, अल्पर्स की रेड आई कैचिंग पैकिंग है और उसके जो है पोर आउट भी जो है वो अच्छा है। मिल्क पैक की एक तो लाइट फीकी पैकिंग है, दूसरा उसका पोर आउट जो है सही नहीं है, इसलिए निकालते हुए प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर, अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होगी, चाहे प्रोडक्ट सही नहीं हो, चाहे प्राइस सही नहीं हो, या फिर प्रमोशन सही नहीं हो, या प्लेस, तो जाहिर है कि वो प्रोडक्ट सही नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।